इंस्टाग्राम क्लोज फ्रेंड स्टोरी का ग्रीन सर्कल कैसे हटाए जिससे कि उसको ये पता ना चले कि ये स्टोरी बस उसके साथ ही शेयर की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप इस ग्रीन सर्कल को हटा सकते हैं। और इसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बस यही ट्रिक वर्किंग है, बाकी कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप ये काम कर पाए। तो ये कौन सी ट्रिक है, कैसे आप इसे कर सकती हैं, तो चलिए आइए डायरेक्ट पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे योर स्टोरी पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे ऊपर की साइड सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे स्टोरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने इंस्टाग्राम स्टोरी की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे हाइड स्टोरी फ्रॉम इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बंदों ने आपको फॉलो किया हुआ है उन सब बंदों को आपको यहाँ पे हाइड कर देना है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन इस तरीके से आपका काम 100% हो जाएगा। बाकी इसके सिवा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप ये काम कर पाए। तो जितने भी बंदों ने आपको फॉलो किया हुआ है सभी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बस उस बंदे को सिलेक्ट मत करना जिसे आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोबारा से डन पे क्लिक कीजिए तो आपकी ये सेटिंग यहाँ पे सेफ हो जाएगी। इसी के साथ आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे प्राइवेट कर लेनी है जिससे कि कोई भी अनजान बंदा आपकी वो स्टोरी ना देख पाए। लो जी, अब आपकी इंस्टाग्राम में स्टोरी की सेटिंग हो चुकी है। अब आप इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी लगा सकती हैं और इस स्टोरी को आपको यहाँ पे क्लोज फ्रेंड में शेयर नहीं करना है, आपको इसे यहाँ योर स्टोरी में अपलोड कर देना है। डोंट वरी, ये स्टोरी आपकी बस वही बंदा देख पाएगा जिसे आपने हाइड नहीं किया होगा। हालांकि आपको उन बंदों को हाइड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है। बाकी ये प्रोसेस 100% वर्किंग है और इसके सिवा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप ये काम कर पाएं।